ये कहानी बहुत पुरानी है लेकिन बहुत ही मार्मिक घटना है। एक बहुत ही कमजोर राज था, एक बहुत ही ताकतवर राज था। कमजोर राज ने अभी तक लड़ाइयाँ जीती थी लेकिन ताकतवर राज ने एक से बढ़कर एक लड़ाइयाँ जीती थी। एक दिन ताकतवर राज्य से चिट्ठी आई कि ताकतवर राज्य कमजोर राज्य पर आक्रमण करना चाहता है, फला तारीख को इतने बजे आक्रमण करेगा। अब कमजोर राज्य में हलचल मच गई कि ताकतवर राज्य अगर हम पर आक्रमण करेगा तो हम सब मारे जाएंगे। एक सभा हुई, राजा ने पूछा क्या यह पक्की खबर है? दूत ने कहा हाँ महाराज, यह बिल्कुल पक्की खबर है। राजा ने मंत्री से पूछा क्या करें, हम तो मारे जाएंगे। राजा को मंत्री सेनापति ने कहा महाराज, अगर हम उनके अटैक करने से पहले ही हम सब उन पर अटैक कर दें तो शायद हम जीत सकते हैं। राजा और उनके अन्य मंत्री ने कहा पागल हो क्या? सेनापति ने कहा अगर उन्होंने किया तो हम वैसे ही मारे जाएंगे, लेकिन अगर हमने उनसे एक दिन पहले किया तो हम जीत सकते हैं। वे हनन फनन में पहले तैयार नहीं होंगे, इस तरह हम जीत सकते हैं। तो राजा सेनापति की बात से सहमत हुए। सेनापति ने अपनी सेना के साथ ताकतवर राज्य पर अटैक करने के लिए चढ़ाई कर दी। दोनों राज्यों के बीच में एक नदी पड़ती थी। जैसे ही सेना ने नदी पार किया, सेनापति ने नदी के लकड़ी के पुल को जला दिया। सेनापति बहुत चालाक था, उसने कहा अब हमारे पास वापस जाने का कोई भी साधन नहीं है, ना ही रास्ता है। या तो लड़ो या मरो, हम वापस तभी जा सकते हैं जब हम जंग जीतेंगे और दुश्मन की नाव से नदी पार करें, नहीं तो हम यही मारे जाएंगे। लड़ाई हुई और कमजोर राज्य ने ताकतवर राज्य को हरा दिया और जंग जीत लिया। दोस्तों, पता है कमजोर राज्य ने कैसे जंग जीती? क्योंकि जिंदगी दांव पर लग गई थी, या तो मरो या लड़ो। दोस्तों, जब जिंदगी में हम सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करता है और सफलता हमेशा अपनी कीमत मांगती है, इसलिए कीमत चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।